चैलेंज ये था कि ब्लैडर वॉज इन्वॉल्व, ब्लैडर में ऑलमोस्ट 1 लीटर का ब्लड क्लॉट था जिसके कारण किडनी ड्रेन नहीं हो रही थी, क्रैपिंग बहुत ज्यादा था। सो ऑल इन ऑल फ्लूइड भी नहीं दे सकते हैं ज्यादा, ब्लड प्रोडक्ट भी नहीं दे सकते हैं ज्यादा, क्योंकि अगर किडनी एक्सक्रीट नहीं करेंगी फ्लूइड ओवरलोड होगा, फाइनली ज्यादा परेशानी होगी। सभी सर्जन्स के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है ब्लड लॉस ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। अगर वो हो रहा होता है तो वी माइट लूज पेशेंट्स। इसमें द होल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर फड़के सर टू पुटिंग अ बैलून देयर, इन्फ्लेट करना ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए। ऑन एन एवरेज इन सर्जरीज में ब्लीडिंग होती है विच रेंजेस फ्रॉम 2.5 लीटर से लेकर 7.5 लीटर तक। किसी भी ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट 5 लीटर के अराउंड ब्लड होता है। आप समझ सकते हैं अगर किसी ने 2.5 से लेकर 7.5 लीटर ब्लड लूज कर दिया तो क्या होगा, उस जान का क्या होगा। तो फाइनली बैलून कैथेटर डालने के बाद वी कुड हैव सेव्ड ऑलमोस्ट 2.5 लीटर ऑफ ब्लड लॉस विच इज अ मैसिव अमाउंट। इस टीम में एक नहीं है ब्लड प्रोडक्ट्स बेसिकली जो हमारे पैथोलॉजी साइड से है, एंड दे हैव ए वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टू गिव डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट, जैसे नॉर्मल ब्लड हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, क्रायोप्रेसिपिटेट्स हो गए, जिनकी हेल्प से कोगुलेशन डिरेंजमेंट नहीं आती है। सिंस द ब्लैडर वॉज इन्वॉल्व देर वॉज नो ऑप्शन, सो वी हैव टू रिसेक्ट द ब्लैडर, ब्लैडर को आधा काट के निकालना पड़ा। इन केसेस में अगर हम ब्लैडर्स को बचाने की कोशिश करते हैं तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर हमारे पास ऑपरेशन की विंडो बहुत ही कम होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम वी शुड फिनिश द ऑपरेशन, अदरवाइज ब्लड लॉस कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो उसमें ब्लैडर को आधा काट के निकाला गया, फिर ब्लैडर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जो यूरेटर्स होते हैं जो ब्लैडर में ओपन होते हैं, किडनी ड्रेन करती है, उनको स्टेंट किया गया। एंड ब्लैडर को जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो कुछ पेशाब की ट्यूब डाली जाती है नीचे ऊपर से, जिनको थोड़े लंबे टाइम के कारण रखना होता है। इन सबको करने के बाद ब्लैडर धीरे धीरे ग्रेजुअली आफ्टर 3 to 6 मंथ अपने नॉर्मल वॉल्यूम पे आता है। अगर ये सब नहीं किया जाएगा उन सर्जरीज में सो वी माइट लूज